ये स्क्वायर बैग किस तरह से बनता है उसके मैं बहुत ही आसान तरीके से मैं इसका वीडियो बना रही हूँ, आप लोग इसे स्टेप बाय स्टेप देखिए। ये मैंने व्हाइट कलर के थ्रेड से बनाया है, आप चाहे तो इसे व्हाइट कलर से बनाने के बाद थ्रेड से बनाने के बाद आप इसे कलर भी कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, नहीं तो अगर थ्रेड कलरफुल मिल रहा है तो आप इसे कलरफुल थ्रेड से बनाइए। मैंने इसे ट्रिपल करके धागे को ट्रिपल करके बनाया है, आप चाहे तो इसे ऊन से भी बना सकते हैं। और देखिए ये छोटा सा बैग कितना प्यारा बैग है, इसे चार कोने की तरफ से मैंने बनाया है, ये चार कोना मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाई हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए, उम्मीद है आप इसे अच्छी तरह से सीख लेंगे। तो चलिए अब मैं वीडियो की तरफ चलती हूँ। फ्रेंड आज मैं आपको स्क्वायर बैग बता रही हूँ, ये देखिए ये हमारा आज का वीडियो है, ये मैं आपको स्क्वायर बैग किस तरह से बनता है ये आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको शुरू से लेके अंत तक हमारे वीडियो में बने रहना है। आप देखिए हम लोग कहीं भी जाते हैं तो एक पन्नी का बैग लेकर के चले जाते हैं, लेकिन अगर हम ये स्क्वायर बैग बनाएंगे तो आसानी से मैं कुछ कुछ सामान इसके अंदर रख करके यात्रा कर सकते हैं, ट्रेन में या कहीं भी फ्रेंड के पास या कहीं भी। तो चलिए आज मैं आपको ये स्क्वायर बैग बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए मुझे सबसे पहले ये स्क्वायर इस तरह से बनाना है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किए हैं तो यहाँ से मैं बताऊंगी। मैंने ये फिरोजी कलर के ऊन से बनाए हैं लेकिन मैं इसे व्हाइट कलर के थ्रेड से बनाकर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड ये मैंने थ्रेड इस्तेमाल की हूँ। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं मैजिक रिंग दूंगी इस तरह से, और मैजिक रिंग देने के बाद इसको इस तरह से निकालूंगी। ये हमारा निकल गया और निकालने के बाद इसमें मैं तीन चैन दे दूंगी। ध्यान लगा करके आपको ये वीडियो देखना होगा। ये हमारा तीन चैन हो गया, उसके बाद मैं इसमें चार बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, चार बार। एक तो मैंने ये चेन दे दिए तो बन गया, दो बन गया, तीन, और ये हो गया चार। चार बनने के बाद दो चेन दे दूंगी, एक दो, फिर से चार बार। इसी मैजिक रिंग में मुझे इतना बनाना है, एक दो तीन और ये रहा चार, फिर से दो बार चैन, फिर से चार बार। मुझे चार कोना निकालना है, दो, क्योंकि मुझे स्क्वायर में बनाना है तो एक कोना निकल गया, दूसरा कोना भी निकल गया, तीन और ये रहा चार। तो ये मेरा चार कोना, ये देखिए चार बन गया। फिर से मुझे दो चेन दे देना है, एक दो। अब दो चेन देने के बाद एक दो तीन, ये देखिए तीन और ये लास्ट का एक चार हो गया। चार होने के बाद मैं इसमें दो चेन ले लूंगी, एक दो, उसके बाद जो ये मैं चेन डाली हूं ना इस चेन में मुझे सिंगल क्रोशिया बना देना है, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से। तो इस तरह मेरा चार चेन बनके, चार कोना बनके तैयार है। अब मैं जो ये मैजिक रिंग का धागा है उसको मैं खींच दूंगी, ये देखिए ये मैजिक रिंग का धागा जो है उसको मैं अच्छी तरह से यूं ऐसे करके खींच दूंगी, ये खींचा गया। अब फिर से दो चेन दे दूंगी, देखिए ये किस तरह बना है, फिर से इसमें दो चेन दे दूंगी, एक दो, बस यहीं पर ध्यान देना है। और फिर से डबल क्रोशिया में इसमें डबल क्रोशिया डालूंगी, देखिए ये
इसमें डबल क्रोशिया डाल के ये मेरा दो बार बन जाएगा। दो बार बनने के बाद एक बार फिर इसमें तीन बन गया, क्योंकि मैंने यहाँ चार बनाए थे तो दो इधर बढ़ेंगे, दो इधर बढ़ेंगे तो चार चार आठ हो जाएगा। ये देखिए एक दो तीन, तीन ये इसमें बन जाएगा, चार पांच छः सात और ये आठ, ये आठ बन गया। ये देखिए ध्यान से आठ बन गया। आठ बनने के बाद फिर से दो चैन और फिर से इस वाले में दो बार बनेगा, एक दो बन गया। तो अब जो ये बचा हुआ है इसमें भी बनेगा, एक तीन बन जाएगा, तो ये तीन बन गया। दो बन जाएगा फिर लास्ट वाले में। देखिए गिन के देख लीजिए आप, गिनना बहुत जरूरी है। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये लास्ट का आठ, आठ हो गया। तो देखिए ये मैंने चार कोना बना लिए सेम उसी तरीके से जिस तरह से मैंने पहले कोना निकाली थी। अब इसमें दो चैन देके लास्ट वाला इस तरह बनाऊंगी। बनाने के बाद फिर से दो चैन और दो चैन देने के बाद इसमें डबल क्रोशिया दो बन गया और फिर से इसमें फिर से दो तीन ऐसे बढ़ेंगे। अब यहां मैंने तीन बढ़ाए हैं, अब देखिए फिर से इसमें बहुत ही सिंपल डिजाइन है। तो इसीलिए हमारे साथ आप अगर देखिएगा तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा और बहुत ही यूजफुल भी है ये। आप इसमें सब्जी भी ला सकते हैं, राशन भी ला सकते हैं। ये तो बनने के बाद आप खुद समझ लीजिएगा कि ये कितना यूजफुल है। इसलिए मैंने सोचा चलो आज मैं अपने दोस्तों को यही सब आज का वीडियो बनाऊंगी। बस आप ध्यान से देखते रहिए हमारा वीडियो, आई होप आप बहुत जल्दी सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी भी है बनाना। जिसको क्रोशिया चलाना आता है वो तो आसानी से बना लेंगे। बस इसी तरह ये पूरा कोना बनेगा, बस सेम इसी तरीके से। देखिए ये राउंड भी हमारा संपन्न हुआ। अब इस राउंड के लास्ट में सेम उसी तरह से स्लिप स्टिच देंगे, इस तरह करके इस तरह करके। तो ये तो पता ही है कि कहाँ से शुरुआत हुआ और कहाँ खत्म हुआ ये पता नहीं चलता, इसलिए इसे स्लिप स्टिच देना पड़ता है। फिर से सेम इस तरह ये चीज यहाँ का जो समझना सबसे पहले जरूरी है। फिर से दो चैन, सॉरी तीन चैन, तीन चैन या दो चैन और फिर इसमें दो बन गया और एक तीन ये तो मेरा बेस बन रहा है, इसके ऊपर बनेगा अलग। ये देखिए अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो को दोबारा तिबारा चला चला करके देखते रहिए, बहुत ही आसान तरीके से आप समझ जाएंगे फ्रेंड। बस आप हमारे वीडियो को देखते रहें। तो सेम इसी तरह बना करके मैं आपको दिखा रही हूं।
सेम उसी तरह बनेगा इस। तो आपको बैग जितना बड़ा बनाना है आप अपने अकॉर्डिंग इसे बनाएं, मतलब कि ये आपके ऊपर निर्भर है, ये आप छोटा बनाएं बड़ा बनाएं। मैं इसे छोटा बनाकर दिखा रही हूँ और जब ये बनेगा तब आप सच कहेंगे कि आज बहुत ही अच्छा आपने कुछ सीखा है। दोस्तों मेरा मकसद वीडियो बनाना नहीं है, मैं चाहती हूँ वीडियो के मार्फत आप कुछ नया सीखिए, कुछ अच्छा सीखिए। इसलिए मैं इसे बार बार आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी कुछ न कुछ नया नया सीखते जाए। आप दोस्तों के रिक्वेस्ट पर ही मैंने ये स्क्वायर का बैग बनाई हूँ और बहुत सारे मित्रों ने मुझे ये भी कहा है कि प्लीज आप एक स्क्वायर में बनाएं बैग, तो इसलिए मैं ये स्क्वायर में बैग लेकर के आई हूँ। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और सीखिए, और हाँ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अब देखिए अब से मैं स्लिप स्टिच के पास आ गई हूँ, अब फिर से दो चैन दे दूंगी। दो चैन देने के बाद इसमें डाल के ये हमारा बन गया स्लिप स्टिच। ये देखिए इसको आपकी मर्जी है, ये आप इसे जितना बड़ा बनाए इतना बड़ा बनाएं या इतना बड़ा इतना छोटा सा, तो बहुत छोटा हो जाएगा। मैं थोड़ा इससे डबल करके दिखाती हूँ। इसको गिनने का एक ही तरीका है, 1 2 3 4, ये हमारा 4 राउंड हुआ है। तो आप 8 राउंड 10 राउंड 12 राउंड इतना बना सकते हैं जितना बड़ा आपकी इच्छा हो। तो मैं इसे और बनाकर दिखा रही हूँ, सेम इस तरह से ये बनता चला जाएगा। तो मैं आगे बना के दिखा रही हूँ आपको। देखिए दोस्तों ये मैंने यहाँ तक बनाए हैं, इसका हमारा आज का एक ही वीडियो बना है। इसके आगे मैं फिर से इसके आगे क्या बनाना है कैसे बनाना है तो मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि एक वीडियो में ये संभव नहीं है। तो आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल द क्रोशिया लवर, तो इस तरह हमारा वीडियो देखते रहिए। मिलती हूँ स्क्वायर बैग का दूसरा पार्ट लेके अगले वीडियो में, तब तक हमारा वीडियो देखते रहिए। नमस्कार।